नमस्कार दोस्तों, रोमांचक दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरोप के खूबसूरत देश इटली के बारे में। इटली पूरे वर्ल्ड में खूबसूरत कंट्रीज की लिस्ट में से एक है। इटली यूरोप का सबसे घनी आबादी वाला देश है। इस देश की जनसंख्या लगभग 7 करोड़ है। इटली ग्रीस के बाद यूरोप का सबसे पुराना राष्ट्र है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3,13,000 वर्ग किलोमीटर है, जो महाराष्ट्र राज्य के क्षेत्रफल से लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर कम है। आधुनिक इटली 1861 में एक राज्य के रूप में स्थापित हो गया था, पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद 10 जून 1946 को यह एक लोकतांत्रिक देश बना। इटली दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बहुत ही बढ़िया है। भारत की अर्थव्यवस्था भले ही इटली से एक कदम आगे 7वें स्थान पर हो, पर ज़्यादा आबादी के पास कम संसाधनों की वजह से ज़्यादातर लोगों का जीवन स्तर कुछ खास अच्छा नहीं है। इटली में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ 50 ऐसे ऐतिहासिक निर्माण हैं जिन्हें यूनेस्को ने यह दर्जा दिया है। भारत में ताजमहल, विष्णु स्तंभ, कुतुब मीनार समेत कुल 35 विश्व धरोहर स्थलों को यह दर्जा प्राप्त है। इटली दुनिया में सबसे ज्यादा शराब बनाता है। यहाँ बनी शराब कई दूसरे देशों को भेजी जाती है। इटली की बोलाना यूनिवर्सिटी यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना सन 1080 ईस्वी में हुई थी। इटली भारत की तरह एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जो तीन तरफ से पानी द्वारा घिरा होता है। जिस तरह भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, उसी तरह इटली के उत्तर में अल्पास पर्वत है। इटली एकमात्र इकलौता ऐसा देश है जो दो देशों को चारों तरफ से घेरे हुए है। ये देश हैं वेटिकन सिटी और सैन मरीनो। दोस्तों, पहले विश्व युद्ध में इटली के 6 लाख से भी ज्यादा सैनिक मारे गए थे और 10 लाख से ज्यादा सैनिक बुरी तरह से घायल हुए थे। इटली के वेनिस शहर में यह कानून है कि वहाँ की हर गोंडोला नाव का रंग काला होना चाहिए। गोंडोला एक प्रकार की हल्की नाव होती है। इटली के मिलान शहर में यह कानून है कि वहाँ जरूरी मौकों पर चेहरे पर स्माइल रखनी जरूरी है, जैसे कि कहीं जाते समय और किसी से मिलते समय। यह नियम शमशान और अस्पताल जाते समय लागू नहीं होता। इटली के शहर फलसियानो डेल मस्सीको में मरना गैर कानूनी है, क्योंकि वहां पर सारे कब्रिस्तान भर चुके हैं। इटली में एक आदमी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उसने पब्लिक प्लेस में स्कर्ट पहन रखी थी। दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी सुरंग इटली से होकर स्विट्जरलैंड तक जाती है। यह 57 किलोमीटर लंबा एक रेल मार्ग है जो अल्पास पर्वतों के नीचे से होकर जाता है। इसे बनाने में 17 साल से ज्यादा का समय लगा था। साल 2012 में इटली की एक अदालत ने यह कानून बनाया कि अगर कोई व्यक्ति किसी को नो बॉल्स कहता है तो उसे सजा के तौर पर जुर्माना हो सकता है। क्रिकेट में नो बॉल क्या होता है यह हम सभी जानते हैं, पर इंग्लिश में नो बॉल का मतलब होता है कि तुम बहादुर नहीं हो, साहसी नहीं हो आदि। साल 1968 में इटली के पास सागर में एक व्यक्ति ने एक प्लेटफार्म बनवा दिया था और उस प्लेटफार्म को एक छोटा देश घोषित करके खुद उसका राष्ट्रपति बन बैठा। उसने अपने देश का नाम द रिपब्लिक ऑफ रोज आइसलैंड रखा। इटली की सेना ने उस प्लेटफार्म को अपने नियंत्रण में लेकर नष्ट कर दिया। हालांकि इटली एक विकसित देश है, फिर भी एक तिहाई आबादी को कभी इंटरनेट का उपयोग नहीं करती। इटली की राजधानी रोम की स्थापना आज से 2772 साल पहले 21 अप्रैल 753 ईसा पूर्व को हुई थी। वर्तमान रोम का क्षेत्रफल लगभग 1285 वर्ग किलोमीटर है और इसकी आबादी 29 लाख है। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले इटली में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। इसके सिवाय सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी इटली में ही हैं। दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।